उस वीडियो में प्रॉपर्टीज और स्क्वायर नंबर्स देखते हैं। जैसे ही स्क्वायर नंबर की बात आती है तो हम कुछ उसकी अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से लेते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक नेचुरल नंबर है, लेट सपोज 3, इसको मैं अगर स्क्वायर नंबर में बदलूं या इसका स्क्वायर बनाऊं तो मुझे मिलता है 3 × 3 = 3 2 = 9। तो ये जो 9 है ये एक स्क्वायर नंबर है, किसका? नेचुरल नंबर 3 का। ऐसे ही हम अगर डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल नंबर को एनालाइज करेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 सो ऑन, तो हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी, कुछ पैटर्न्स मिलेंगे। इन पैटर्न्स और इन ऑब्जर्वेशन की स्टडी करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमें सीखने को मिलती हैं स्क्वायर नंबर्स में, जो कि बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट होती हैं और बताती हैं किस तरीके से ये नंबर डिफरेंटली बिहेव करते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले हम 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर और स्क्वायर बना लेते हैं और वही सारी जो पैटर्न और ऑब्जर्वेशन से एप्लीकेबल होंगी बाकी नंबर्स के लिए भी। तो 1 से लेकर 10 तक के नंबर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर ये बनाया हुआ है नेचुरल नंबर और स्क्वायर नंबर की एक सीक्वेंस 1 से लेकर 10 तक। सिमिलरली इसके स्क्वायर नंबर भी लिखे हैं, जैसे 1 का स्क्वायर नंबर है 1, 2 का है 4, 3 का है 9, 4 का है 16, इस तरीके से। इसमें एक अब हम यहाँ पर दोस्तों ऑब्जर्वेशन देखिए क्या लेके आते हैं। एक ऑब्जर्वेशन देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, अगर हम स्क्वायर नंबर को एनालाइज करते हैं, इसके यूनिट प्लेस देखिए, स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस क्या क्या आ रहे हैं मेरे पास। 1 आता है, 4 आता है, 9 आता है, 6 आता है, 5 आता है, और फिर से देखिए वही चीज़ रिपीट हो रही है, 6, 9, 4, 1, और एक यहाँ पर दोस्तों 0 भी आता है। स्क्वायर नंबर में हमेशा जो यूनिट प्लेसेस है वो 0, 1, 4, 9, 6, 5 से ही एंड होंगी। अगर हम बात करते हैं 2 की, 3 की, 7 की, 8 की, इनसे जो यूनिट प्लेस है स्क्वायर नंबर की वो कभी भी एंड नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं एक ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये बनती है, एक पैटर्न ये बनता है कि जो यूनिट प्लेस है स्क्वायर नंबर की वो ऑलवेज एंड विद दिस नंबर, ठीक है, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। तो हमने एक और पैटर्न इसके साथ साथ देखा कि जो 2, 3, 7, 8 है, इससे कभी भी जो सो यूनिट प्लेस स्क्वायर नंबर की नहीं बनेगी। अगर आपको कोई भी स्क्वायर नंबर या स्क्वायर दिया है इस फॉर्म में जहाँ पर यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 लिखा है, लेट सपोज अगर मैं लिखता हूँ 2, 4, 0, 2, यूनिट प्लेस पे देखिए दोस्तों क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब यूनिट प्लेस पे 2 है। तो इसका पैटर्न क्या कहता है कि ये स्क्वायर नंबर तो नहीं हो सकता, नॉट अ स्क्वायर नंबर, ठीक है। अगर ऑन द सेम साइड अगर मैं देखूं, अगर मेरे पास नंबर है 2, 4, 0, 1, यहाँ पर देखिए यूनिट प्लेस में क्या है, 1 पड़ा हुआ है। 1 मुझे एक पैटर्न देता है कि हाँ यूनिट प्लेस में अगर 1 है तो मैं कह सकता हूँ कि स्क्वायर नंबर है, बट फिर भी मुझको एक बार एनालाइज करना पड़ेगा स्क्वायर नंबर है या नहीं है। बट हाँ, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि स्क्वायर नंबर ये हो सकता है, ये हम बिल्कुल इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, तो ये यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। अगर इसको हम सॉल्व भी करते हैं तो ये 49 का स्क्वायर आता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोस्तों कि जो ये जो नंबर है जो मैंने ऊपर दिए हुए 0, 1, 4, 9, 6, 5, ये सारे के सारे नंबर स्क्वायर नंबर के पैटर्न को फॉलो करते हैं और कहते हैं कि अगर ये यूनिट प्लेस पर रखे हुए हैं तो नंबर डेफिनेटली और डेफिनेटली स्क्वायर नंबर ही होगा, हम उसका स्क्वायर रूट इसका मतलब निकाल सकते हैं। और ये जो 0, 1, 4, 5, 6, 9 है, ये सभी के सभी नंबर्स नेचुरल नंबर्स में वैलिड होता है। ये 1 से लेकर 10 तक तो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, बट ये किसी भी नेचुरल नंबर में वैलिड होगा, चाहे वो आप 1 लीजिए, 2 लीजिए, हंड्रेड्स में लीजिए, थाउजेंड्स में लीजिए, उसका मैटर नहीं है, बस यूनिट प्लेस पे आपको ये नंबर रखे होने चाहिए। तो ये हुई दोस्तों हमारी सबसे पहली ऑब्जर्वेशन। आइए और दूसरे पैटर्न्स और ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। दोस्तों एक और पैटर्न आपको दिखाते हैं। अगर मेरे पास नंबर यहाँ पे है और स्क्वायर नंबर यहाँ पे है, कुछ नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं मैं एक नंबर लेता हूँ 1, एक नंबर लेता हूँ 9, एक लेता हूँ 11, एक लेता हूँ 19, एक लेता हूँ 21। अगर मैं इन नंबर्स के स्क्वायर नंबर निकालूंगा तो क्या मुझे मिलने वाला है, 1 यहाँ मिलेगा। 9 का स्क्वायर निकालूंगा तो 81 मिलेगा, 11 का स्क्वायर निकालूंगा तो 121 मिलेगा, 19 का स्क्वायर निकालूंगा 361 मिलेगा, 21 का स्क्वायर निकालूंगा 441 मिलेगा। गौर कीजिएगा इसके जो यूनिट प्लेसेस हैं, ठीक है, उसमें देखिए क्या आ रहा है, यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, इसमें यूनिट प्लेस पे हमेशा इसमें 1 आता है। ये देखिए, ये ऑब्जर्वेशन देखिए, ये 1 यहाँ पर हमेशा आ रहा है। तो कहने का मतलब है अगर कोई भी नेचुरल नंबर जिसका यूनिट प्लेस 1 या 9 होगा तो स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस क्या होने वाला है, 1 होने वाला है।
ये हम एक ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पर कोई भी रैंडम नंबर चूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अगर वो नंबर का जो एंड है 1 या 9 से होता है तो उसका स्क्वायर जो होगा दोस्तों वो डेफिनेटली और डेफिनेटली यूनिट प्लेस पर एंड होगा। मतलब दोस्तों उसका जो स्क्वायर है, उसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट प्लेस है, वो हमेशा 1 ही होने वाला है। तो आप रैंडमली भी ये किसी भी नंबर से चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम एक नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं हम एक स्क्वायर नंबर ले लेते हैं 841। अगर हम इसका नेचुरल नंबर देखें, अगर हम इसको स्क्वायर रूट बनाएं तो ये क्या बनता है हमारे लिए, ये बनता है 29। गौर कीजिएगा, स्क्वायर नंबर था जिसका यूनिट प्लेस था 1, जैसे हमने यहाँ बताया था, और उसका जैसे हमने यहाँ बताया था, और उसका जो नेचुरल नंबर है उसका यूनिट प्लेस क्या हो गया, 9 हो गया। ये यूनिवर्सल रूल है। और नंबर लेके चलते हैं 9801, ये ले लेते हैं। इसका यूनिट प्लेस है दोस्तों, गौर करिए, 1। अगर यूनिट प्लेस 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलने वाला है, मुझे डेफिनेटली यूनिट प्लेस में 1 या 9 मिलेगा। डेफिनेटली दोस्तों ये 99 का स्क्वायर रखा हुआ है यहाँ पे। और रैंडम नंबर हम ले लेते हैं, यहाँ पे 3721 एक रैंडम नंबर लेते हैं। यूनिट प्लेस क्या है, यहाँ पर 1 है। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, ये 61 का दोस्तों स्क्वायर रखा हुआ है। एक और रैंडम नंबर लेते हैं आपके एग्जाम्पल के लिए, 3481। यूनिट प्लेस देखिए दोस्तों, यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस की डिजिट है 1। और नेचुरल नंबर इसका ऑब्वियसली क्या होने वाला है, नेचुरल नंबर होगा दोस्तों 59 का स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं किसी भी यूनिट प्लेस में अगर नेचुरल नंबर है 1 या 9 आता है, तो अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, तो उसका जो यूनिट प्लेस है स्क्वायर डिजिट का, स्क्वायर नंबर का, वो हमेशा 1 पर एंड होगा। उसका यूनिट प्लेस होगा वो हमेशा 1 होगा। ये एक बेसिक सी ऑब्जर्वेशन है और ये भी एक तरीके का पैटर्न है। तो इसको हम नंबर 2 दे देते हैं क्योंकि पीछे हमने ऑब्जर्वेशन नंबर 1 सीखी थी। दोस्तों आइए अब हम थर्ड पैटर्न और थर्ड ऑब्जर्वेशन की तरफ चलते हैं। एक स्क्वेयर नंबर ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग, और यहाँ पर हम दोस्तों नेचुरल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, स्क्वेयर नंबर लेते हैं, कुछ रैंडम नंबर ले लेते हैं जो एंड हो रहे हैं 6 से। जैसे हमने 16 ले लिया, 36 ले लिया, 196 ले लिया, 256 ले लिया। गौर कीजिएगा, ये सारे के सारे नंबर एंड होते हैं, देखिए दोस्तों, 6 से। मतलब कि इनका जो यूनिट प्लेस है वो क्या है, 6। लिख देते हैं यहाँ से, यूनिट प्लेस इज इक्वल टू 6। अगर हम इनके नेचुरल नंबर पे जाएं तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है, जो 16 है इसका जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, 4। 36 का नेचुरल नंबर क्या है दोस्तों, 6। 196 का नेचुरल नंबर क्या है, 14। 256 का नेचुरल नंबर क्या है, 16। मतलब कि अगर हम इनके नेचुरल नंबर को एनालाइज करें तो देखिए क्या पैटर्न मिलता है, यूनिट प्लेस में ये 4 6 4 6। इसका मतलब इसका यूनिट प्लेस जो है नेचुरल नंबर का वो किससे एंड होता है, वो होता है दोस्तों 4 से या 6 से। तो कहने का मतलब अगर किसी भी स्क्वायर नंबर में एंड में 6 आता है, यूनिट डिजिट में 6 आता है, तो डेफिनेटली उसका जो यो नेचुरल नंबर है उसके एंड में 4 या 6 आएगा ही आएगा। और भी हम रैंडम नंबर ले सकते हैं, लेट सपोज एक रैंडम नंबर लेते हैं 576। ये स्क्वायर नंबर हमने लिया, अगर मैं इसका इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये 24 का स्क्वायर है। गौर कीजिएगा, यूनिट प्लेस क्या है यहाँ पे, 6 है, और इसका जो नेचुरल नंबर है उसका यूनिट प्लेस क्या है, 4 है, जो हमने यहाँ नीचे बताया था पैटर्न में। और नंबर ले लेते हैं, एक नंबर लेते हैं 8836। ठीक है दोस्तों, एंड में देखिए क्या आ रहा है, यूनिट प्लेस में 6 आ रहा है। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ तो मुझे ये क्या मिलता है, किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 94 का। गौर कीजिएगा फिर से पैटर्न, यूनिट प्लेस में 6 है और इसके यूनिट प्लेस में क्या आता है, 4 आता है। सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। और थोड़ा दोस्तों नंबर चेंज करके देखते हैं, 7396 एक और हमने रैंडम नंबर कुछ भी ले लिया अपनी मर्जी से। गौर कीजिएगा, इसका एंड किससे हो रहा है, यूनिट प्लेस में 6 से हो रहा है, और अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये 86 का स्क्वायर रूट निकलता है। इसका मतलब इसका जो यूनिट प्लेस एंड होता है वो 6 से होता है। सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो हो रहा है। तो कहने का मतलब सेम चीज़ें आ रही हैं, जो स्क्वायर नंबर है उसका जो यूनिट डिजिट है उसको अगर हम एनालाइज करें, अगर वो 6 होता है तो वो नेचुरल नंबर, अगर हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखें तो उसका जो यूनिट प्लेस है वो 4 या 6 डेफिनेटली होगा ही होगा, ये आप मान के चलिएगा। तो ये हुआ हमारा थर्ड प्रॉपर्टी और थर्ड ऑब्जर्वेशन और थर्ड पैटर्न भी आप इसको बोल सकते हैं। और एक चीज़ देखते हैं, और एक पैटर्न देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्या नज़र आता है हमें। दोस्तों अगर हमारे पास नेचुरल नंबर मान लेते हैं 0s की फॉर्म में है, मान लेते हैं 10 है, 100 है,
1000 है, ठीक है। तो उसके स्क्वेयर नंबर की जब हम बात करते हैं तो वो क्या होंगे, वो होंगे दोस्तों 100, 10 का जो होगा 100, 100 का जो होगा दोस्तों वो होगा 10,000, और 1000 का दोस्तों जो होगा उसमें हमें 60 मिलेंगे स्क्वेयर नंबर पे। तो गौर कीजिएगा, जो भी नेचुरल नंबर के जीरो होते हैं स्क्वेयर नंबर में वो आके क्या हो जाते हैं, वो डबल हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 3 0 थे, यहाँ पे गौर कीजिएगा यहाँ 3 + 3 3 6 हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर नेचुरल नंबर में जितने भी जीरो हैं मेरे पास, स्क्वेयर नंबर में आके वो जीरोस डबल हो जाते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन और पैटर्न है जिसकी हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारे पास, अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखूं दोस्तों, तो अगर मेरे पास 10 की वैल्यू जो है ऊपर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 9 रखी हुई है, और ये मेरे पास एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में रखा हुआ है, अगर मैं गौर करूं दोस्तों तो इसका स्क्वायर नंबर क्या होने वाला है, 10, और जो ऊपर एक्सपोनेंट है नंबर ऑफ जीरो जैसे मैंने बताया था, डबल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दोस्तों 18, ये इसका स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो सिंपल है, हमें जब भी कभी स्क्वायर नंबर की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर हमें जीरोस की बात करनी पड़ती है, तो जीरो का जो स्क्वायर नंबर है वो हमेशा डबल हो जाता है। ये हमें एक चीज़ गौर रखनी है, एक्सपोनेंशियल में दोस्तों इसका बहुत ही यूज़ होता है। दोस्तों इस तरीके से हमने ये फोर्थ पैटर्न भी देखा, जिसमें हमने जीरोस की बात करी, और इससे पहले हमने जो पैटर्न देखे वो भी आपके अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे होंगे। सो आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। कीप लिसनिंग।